परमेश्वर प्रतिज्ञाओं में विश्वास हो गया। इब्रानी उसके 10 अध्याय के 23 पद को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 अध्याय के 23 पद, आप हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। बाइबल कहते जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। और दूसरा पत्रस उसके 1 अध्याय के 3 और 4 पद को देखेंगे। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3-4, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। प्रभु का धन्यवाद। और यहाँ पर हमने देखा इब्रानी 10 उसके 23 पद में कि जिसने बुलाया वो सच्चा है। वैसे लेकर अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से ठाने रखो। तो जिस परमेश्वर को बुलाया वो विश्वास से सच्चा है। इसलिए जो बातें प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञाओं में हमसे बोली हैं, आप उनको 100% उनको सच मान सकते हैं और मानना चाहिए। भजन 138 के 2 पद में उसके आखिरी लाइन में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो अपने वचन को अर्थात अपनी प्रतिज्ञाओं को अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व देता है। पर हमने आरंभ में देखा कि यद्यपि इसराइलियों ने विद्रोह किया, फिर भी परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को उनके जीवन पर पूरा किया। इसराइल के राष्ट्र को उसने कनान में पहुंचाया। अविश्वासी लोग नष्ट हो गए, विद्रोह करने वाले नाश हो गए, लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, उस मंडली को उन्होंने कनान में पहुंचाया। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और 5वां पॉइंट है जिसकी ज्यादा फिक्र हम लोग को रहती है, और वो है अपने संतों की सुरक्षा व आदर करने में विश्वास होगी। अपने संतों की सुरक्षा व आदर करने में विश्वास होगी। दूसरा थिस्सलुनीकियों की 3 अध्याय के 3 पद को हम देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की 3 अध्याय 3 पद, परंतु प्रभु सच्चा है वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है। बस एक वही पद केवल 3 पद तो पढ़ना था। इसमें लिखा है कि वह दृढ़ता से सुरक्षित रखेगा और दुष्ट से बचा कर रखेगा। ये काम परमेश्वर करता है। वो दृढ़ता से सुरक्षित, जो सुरक्षा चाहिए, जो आदर चाहिए, वो परमेश्वर देता है। हम भजन उसके 89 को देखेंगे, 89 को और 20 से 24, यहाँ दाऊद के विषय में क्या बोला गया परमेश्वर। भजन 89:20-24, 20 से 24। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। प्रभु का वचन है कि मैंने अपने दास दाऊद को लेकर पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा। और जैसा परमेश्वर ने बोला दाऊद की से उसे सुरक्षा देने के लिए, उसे आदर देने के बारे में पूरा किया परमेश्वर। इस बात के रिकॉर्ड तो हम बाइबल में पाते हैं। मैं आपके लिए एक वचन बोलना चाहता हूँ जो परिचित वचन है, लेकिन मैं इस पर दिलाना चाहता हूँ, और वो यशायाह उसके 43 में है, यशायाह उसके 43 में है और 2 से 4 को देखिए। आपका परिचित वचन है लेकिन मैं इसे निकाल रहा हूँ ताकि आपको उत्साहित करूँ। जब तू जल में होकर जाए, प्रभु ने बोला जब तू जल में होकर जाए आपके लिए, हाँ, मैं तेरे संग संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबाना सकेंगी। जब तू
आग में चले तब तुझे आँच न लगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ, तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश और सबा को देता हूँ, मेरी दृष्टि में तू अनमोल, प्रभु ने कहा मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। ये वो परमेश्वर है जो अपनी प्रतिज्ञाओं को स्मरण रखने वाला परमेश्वर है। ये वो परमेश्वर है जो अपने संतों को, अपने अपने विश्वास करने वाले को सुरक्षा और आदर देने वाला परमेश्वर है। और हम आगे बढ़ेंगे और छठवें पॉइंट में अपने आएंगे। और छठवां पॉइंट, अपने न्याय के कामों को पूरा करने में विश्वास रखो। परमेश्वर परमेश्वर वो अपने न्याय के कामों को पूरा करने में विश्वास रखे। जो कुछ उसने न्याय को ठहराया है उस न्याय को पूरा कर पाए। पर हम दो पदों को इस देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और दूसरा सुसलुकि 1:6-10 पद में विश्वासियों के विषय में लिखा है कि जो कष्ट इस पृथ्वी पर हम लोग भोगते हैं, जो सताव हम लोग भोगते हैं, उसके बारे में परमेश्वर क्या बोलते हैं। हाँ, दूसरा सुसलुकि 1:6-10 पद, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है, परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं, जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। हाँ। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा वे प्रभु के सामने से। हाँ। और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश पड़ेंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। इसलिए महत्वपूर्ण चीज है कि प्रभु बने रहे। हो सकता है आपको ऐसा लगे मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, या मेरा परमेश्वर मेरा न्याय नहीं चुकाया, परमेश्वर मुझको मेरा बदला नहीं दिया, ऐसा हो सकता है, आप सोच सकते हैं। लेकिन ये वचन आपको तसल्ली देने वाला वचन है कि नहीं, परमेश्वर न्याय को चुकाते हैं, अपने न्याय के कामों को पूरा करते हैं। और वो करते हैं जब रोमी 2 को निकालेंगे और 6-8 पर हम पढ़ेंगे। एक न्याय के बारे में वहाँ पर लिखा है रोमियो पत्र उसका 2 6-8। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर। हाँ, यदि आप सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं उन्हें वह आनंद जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए क्या ठहरा है? 2 उसका 1:3-4 पर ये परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराया। 2 उसका 1:3-4 पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता को धन्यवाद हो जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। बाइबल कहती है कि वो हमारे सब क्लेशों में हमें शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। और वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं और आप इस पृथ्वी पर आशीष ठहराए गए। हम आशीषित लोग हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह पर, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर, उसके बलिदान पर विश्वास किया, और इसलिए हम आशीषित लोग हैं। अपने कामों के कारण नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने का हम आशीषित लोग हैं और इस पृथ्वी के लिए आशीष। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर हमारे सारे क्लेशों में हमें शांति देते हैं ताकि उस शांति के द्वारा
जो परमेश्वर हमें देते हैं, हम दूसरों को शांति दे सके जो किसी प्रकार से दे सके। सारा संसार तो पीड़ा में है, सारा संसार तो दर्द में है, सारा संसार आशाहीन है, सारा संसार घोर अंधकार में है, और ऐसे वक्त में परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया। जब जलते दीपकों के समान इस पृथ्वी पर रहते हैं और हमारी गवाही से, हमारी प्रार्थनाओं से, हमारे वचनों से लोगों को शांति मिलती है, लोगों को छुटकारा मिलता है, लोग तसल्ली मिलती है, वो मसीह के प्रकाश के पास आते हैं। इस दुनिया में आपके लिए बहुत सारे काम महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपकी नौकरी, परिवार का पालना, देख रेख, शिक्षा, सब महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप प्रभु को जाने और प्रभु को बांटे, प्रभु को दूसरों को दें। हम साथ हैं पॉइंट में आते हैं और साथ पॉइंट हम देखते हैं हमारे व्यक्ति के जीवन और कलीसिया में परमेश्वर विश्वास देती है। हमारे व्यक्ति के जीवन और कलीसिया में परमेश्वर विश्वास देते हैं। फिलिप्पी एक अध्याय का 6 पद और दूसरे अध्याय के 13 पद को हम देखेंगे। हमारे व्यक्तिगत एवं कलीसियाई जीवन में विश्वास योग्य, परमेश्वर विश्वास योग्य, परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत एवं कलीसियाई जीवन में विश्वास योग्य। फिलिप्पी एक अध्याय का 6 पद, फिलिप्पियों 1 अध्याय 6 पद। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। पॉलस कहता है मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वही उसे यीशु मसीह के दिन तक, माने उसके आगमन के दिन तक वो पूरा करेगा। तो जो अच्छा काम आपके जीवन में आरंभ है, आपको प्रभु ने संसार से बचाया और लाया है कलीसिया में, कलीसिया में रखा है। हर एक कलीसिया में एक दर्शन होता है, जो जीवित कलीसिया है। मैं पारंपरिक कलीसियाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जीवित कलीसियाओं की बात कर रहा हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद इन दिनों जो पूर्व पारंपरिक कलीसियाएँ हैं, वहाँ भी कई सारे ऐसे पासवान आ गए हैं जो नया जन्म पाए हैं और जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु के दर्शन को जानते हैं, वो उस कलीसिया को वैसी शिक्षाएँ दे रहे हैं, वैसा लीड कर रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ उस कलीसिया की जो मोस्टली हमारे देश में अन्य जातियों से बनी हुई कलीसिया है, वर्तमान समय में जो कलीसियाई आंदोलन चला है उस कलीसिया में। और हर एक कलीसिया के पास एक दर्शन होता है, आत्मा को बचाने का दर्शन। सोल में नहीं, तरीके कुछ भिन्न भिन्न हो सकते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि जो काम आरंभ किया गया है परमेश्वर से पूरा कर सकता है। और इसलिए विश्वास में मजबूती से बने रहें, दर्शन में मजबूती से बने रहें, प्रार्थना में मजबूती से बने रहें, कलीसिया संगति में मजबूती से बने रहें। और शैतान युक्तियों का अपने विषय में जाने कि कैसे शैतान युक्ति करके आपको उस कलीसियाई दर्शन से अलग करना चाहता है। उसे खंडित करें, लोगों की बातों को सहें, बुरा मत माने। लोगों के साथ जब आपकी सहभागिता है, आप कान सुनी बातों के कारण आप लोगों के साथ अपने व्यवहार खराब मत करें, अपना मन खराब मत करें, लेकिन आप अपने मन को पवित्र बनाकर रखें, शुद्ध बनाकर रखें, प्रार्थना में बढ़ते जाएं। 2 अध्याय के 13 पद को पढ़ेंगे, फिलिप्पियों 2 अध्याय 13 पद। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। और ये आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं कि आप किसी कलीसिया में हैं, संगति में, आराधना में, आपके हृदय में चाहते हैं कि आप प्रभु की सेवा के लिए प्रभु मंदिर के लिए, प्रभु ने जरूर आपके जीवन में चीजों को डाला है, कामों को डाला है। आप सतत उसमें लगे रहें कि जो जिसने डाला है वो विश्वास होकर धर्मी परमेश्वर है, तो पूरे तरह विश्वास परमेश्वर है, वो आपका दर्शन है। कलीसिया के साथ जुड़कर, अगुओं की अधीनता में रहकर, अगुओं की अधीनता में रहकर ये आपका दर्शन है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि अगुओं के प्रति 4 प्रकार के कर्तव्य हैं आपके, अगुओं के प्रति कलीसिया में बने रहने के लिए, सही रीति से प्रभु बढ़ने के लिए 4 चीज़ें। सबसे पहली चीज, आप अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें, जो आपके अगुए हैं उनके लिए आप प्रार्थना करें। दूसरी चीज, आप अपने अगुओं की आज्ञा माने, तिरस्कार न करें, आज्ञा माने, उनका सम्मान करें। तीसरी चीज़ है कि आप फाइनेंशली, जैसा परमेश्वर ने ठहराया 10वां मास, आप ईमानदारी से अपना 10वां मास आप अपने अगुओं को दें, अपनी भेंट कलीसिया में लाएं, ये फाइनेंस के लिए। और चौथी जो चीज़ है कि आप अपने अगुए के साथ खड़े हों उनके दर्शन में और उनके साथ होकर आप सेवकाई करें।
उनके साथ होकर आप सेवाएं करें। ये चार महत्वपूर्ण चीजों को प्रभु में सही रीति से बढ़ने के लिए आप याद रखें, प्रभु में सही रीति से बढ़ने के लिए आप याद रखें इन चार चीजों को। यदि आप अगुवी की अधीनता में नहीं रह सकेंगे, आप सही रीति से नहीं बढ़ सकेंगे। वो ईमानदार अगुवे जो प्रभु में परिश्रम करते हैं, यदि उनके साथ आपकी आपकी सही ट्यूनिंग, आप अपने आप को सही रीति से उनके अधीनता में उनकी आज्ञाओं में बनाकर नहीं रखेंगे, आप नहीं बढ़ पाएंगे। अगली बात जो है, अगला पॉइंट, आखिरी पॉइंट है, और वो है प्रार्थना को सुनने में विश्वास युक्त परमेश्वर। प्रार्थना को सुनने में विश्वास युक्त परमेश्वर, और यशायाह उसकी 64:4 पर हम देखेंगे, यशायाह 64:4 क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे, बाट जोहने वालों के लिए कार्य करे। इन प्रैक्टिकल हम प्रार्थनाओं में परमेश्वर की बाट जोहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर ऐसा करे प्रार्थनाओं में। तो यहाँ पर लिखा है कि प्राचीन काल से तुझे छोड़ और कोई ऐसा ईश्वर न तो कानों से उसकी चर्चा सुनेगी जो अपने बाट जोहने वाले अपने काम। और इसीलिए हम देखेंगे एक और वचन को, यशायाह 40 में और 27 पद से देखेंगे। कई बार हमारे जीवनों में निराशाएं आ जाती हैं, हताशाएं आ जाती हैं, और कई बार जब हम देखते हैं कि चीज़ें नहीं बदल रही हैं या बदलती हुई नहीं दिखती हैं, हम निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने में विश्वास से परमेश्वर है। और वो क्या बोलते हैं, यशायाह 40:27-31 क्या लिखा, देखिए आपके उत्साह के लिए मैं बोल रहा हूँ। तू क्यों कहता है मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है वह ना थकता ना श्रमित होता उसकी बुद्धि अगम है वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सावर देता है तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे युवाओं के समान उड़ेंगे वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे चलेंगे और थकित न होंगे। ये परमेश्वर का वचन है, बहुत शक्ति देता परमेश्वर, इसलिए प्रार्थना के जीवन बने रही। प्रभु ने खुद बोला लूका 18:1 के नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो प्रार्थनाओं को सुनने में विश्वास से परमेश्वर है, वो दोहाई की ओर कान लगाने वाला परमेश्वर है, विनती प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि उसने ये बातें ठहराई कि मांगो तो दिया जाएगा, देने वाला परमेश्वर। आइए सत्यम की प्रार्थना में जाएं, अपना जीवन प्रभु के चरणों में लेकर आए ये सब। और यदि आपने आपके हृदय में परमेश्वर के खिलाफ जो बुरा विचार हो, आज त्याग दीजिए प्रभु के सामने दीन हो जाइए, प्रभु के सामने झुक जाइए। वो महान बुद्धिमान परमेश्वर, अगम ज्योति में रहने वाला परमेश्वर अगम बुद्धिमान है, हमारी बुद्धि उसके सामने कुछ नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने आपको उसके चरणों में सौंपना सीखें, उसमें अपने आप को डालना सीखें, उसकी मर्जी को अपने समय ढूंढना सीखें और ढूंढ कर अपने आप को उसमें समर्पित करना सीखें। आइए हम प्रार्थना में जाएँ। थैंक यू जीसस, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, अनुग्रह के लिए। प्रभु जी आपने हमें अद्भुत महिमा में बातों को सिखाया, क्योंकि आप विश्वास युक्त परमेश्वर हैं, आप पूरी विश्वास युक्तता से हमारे जीवन में काम करते हैं। आपने हमें चुना है, हमें बचाया है, हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें अपने रक्त से धोया है एक महान मकसद के लिए पिता, क्योंकि आप चाहते कि सारी पृथ्वी हमसे आशीषित हो, आप चाहते हैं कि लोग आशीषित हों, लोग उद्धार पाएं, और इसलिए आप हमें अपने रक्त से धोते हैं प्रभु जी, हमारे गुनाहों को क्षमा करने में विश्वास करें, हमारे साथ सहभागित करने में विश्वास करें, सब बात में विश्वास करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हों पिता जी। मेरे पिता दुल्हन के समान एक अंतरंग संबंध में हम आपके साथ जिए, ये आपकी मर्जी।
सिलसिले आप हमें तैयार करते हैं, आपका धन्यवाद। आपकी प्रभु बोध की दायरे में अपनी जीवन को स्थापित करते हैं। स्वामी आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह बता। खुदा आपकी मर्जी को समझने के लिए हमें सहरे की सहायता करें, हमें सहरे को नया बल दें प्रभु जी। हमें सारे प्रार्थना में लगातार लगा रहे, आपसे लिपटा रहे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर खुदा आसमानी अपने हर एक जीवन के हर एक परिस्थितियों पर भी आपसे लिपटा रहे प्रभु, आपसे अलग ना हो प्रभु, न संदेह करे, न कोई बुराए, न बुरा माने स्वामी, लेकिन लगातार प्रार्थना में बना रहे प्रभु। खुदा आसमानी प्रभु जी पिता प्रभु जी, हर एक को आराधना करने वाले आत्मा का अभिषेक दीजिए, ताकि हमारे हृदय, हमारे मन, हमारे विचार, हमारी इच्छा, हमारी भावना आपको डूब रहे, और कभी भी विपरीत बातों, विपरीत परिस्थितियों होने के बावजूद हमारा हृदय, हमारे विचार अलग ना हो, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। आपके अनुग्रह मांगते हैं, हमें सारे को एक नई ताकत दी, जैसे आपने कहा प्रभु जी कि तरुण तो थकते श्रमित होते, जवान थकित हो जाते पिता, लेकिन जो आपकी बाट जोते हैं नया बल पर बल पाते जाते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा में संभालते हैं, एक नया बल देने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आज एक नई सामर्थ का अभिषेक हमारे जीवन में आप डालने जा रहे हैं, इसके धन्यवाद। एक नई सामर्थ्य देने जा रहे हैं, धन्यवाद। हम अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी प्रकार की निराशा में है, दबाव में है प्रभु जी, चिंता में, व्याकुलता में, असफलता में, यीशु के नाम से शैतान की सारी घेरेबंदी को तोड़ देते हैं, नाश होने को प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम छुटकारे और चंगाई की घोषणा करते हैं। पिता हम उस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा स्वरूप, मेरे परमेश्वर जिसकी यूट्रस में प्रॉब्लम है प्रभु जी, मेरे पिता यीशु के नाम से इस वक्त छूकर उसे चंगाई दे पिता, यीशु के नाम से छूकर चंगाई दे पिता, यीशु के नाम से चंगाई दे। हम उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो खुदा आसमानी प्रभु जी, मेरे परमेश्वर अपने जीवन में पिता प्रभु जी अपने अनेक चिंताओं से घिरा है प्रभु जी, और खुदा आसमानी जो बातें उसने मेरे पिता चाही थी देखे वो नहीं देख पाया प्रभु जी, यीशु के नाम से उसको एक नया बल दीजिए पिता, यीशु के नाम से उसकी सारी निराशा खत्म हो प्रभु जी। वो आप पर भरोसा रखे प्रभु, और केवल आपकी ओर निहारे प्रभु जी, केवल आपकी ओर ताके मेरे परमेश्वर खुदा यीशु के नाम से प्रभु जी। अब यीशु के नाम से शैतान के हाथों को रोकते हैं प्रभु जी, अंधकार की ताकत को रोकते हैं प्रभु जी, मेरे परमेश्वर भाई के ऊपर पिता खुदा आसमानी शैतान बड़े हाथ को बढ़ा रहा है। हम यीशु के नाम से उस भाई को लहू में समर्पित करते हैं, शैतान की सारी ताकत को तोड़ते हैं, खत्म होने का हुक्म देते हैं, उसकी सारी युक्ति शक्ति को तोड़ के नष्ट करते हैं प्रभु जी। खुदा यीशु के नाम से वहां चला जाए, यीशु के नाम से उसकी युक्तियां खत्म हो जाए, शैतान की सारी युक्तियां प्रार्थना करते हैं खुदा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं करुणा में परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप दया करें, करुणा करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, पिता हर एक को संभाले, पूरी कलीसिया को संभाले पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता जी, कोरोना वायरस के लिए वो जल्द से जल्द पिता देश से खत्म होता, जबकि वो देश में तेजी से बढ़ रहा है यीशु के नाम से प्रभु जी। हम गवर्नमेंट को पिता जी, स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को, पूरे प्रशासन को आपके लोगों में सम्मिलित करते, राज्य सरकार को बुद्धि और समझ दीजिए पिता, योजना बना सके प्रभु जी, योजना आपकी बुद्धि से बना सके, ताकि पूरा नियंत्रण कंट्रोल होता, फाइनेंशियल कोई कमी ना होने पाए मेरे परमेश्वर, मेन पावर की कमी ना होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं अंधकार का साम्राज्य खत्म हो प्रभु जी, हमारे देश से खत्म हो, संसार के देशों से खत्म होता, अंधकार का साम्राज्य खत्म होता खुदा ने आपकी महिमा प्रभु जी। बहुत दिनों प्रभु छोड़वाने का हम प्रार्थना करते हैं पिता, चर्च खुले प्रभु जी, चर्च खुला जाए प्रभु जी, मेरे पिता अधिक लोगों को वहाँ उपस्थित होने की आज्ञा अनुमति दी जाए मेरे परमेश्वर पिता खुदा उसमें, ताकि आराधना पिता खुदा उसमें निरंतर जारी हो, और पिता लोग अंधकार की ताकत से लड़े आप त्याग करें प्रभु। खुदा उसमानी आपका धन्यवाद, करुणा के लिए, आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। मेरे परमेश्वर हर एक भाई बहन को आपके लोह में समर्पित करते पिता, दया को मांगते खुदा स्मरण यीशु के नाम से प्रार्थना करते पिता। किसानों के लिए प्रार्थना करते, जबकि मैंने पिता पिता खेती बाड़ी करनी, उन्हें पर्याप्त बारिश चाहिए, समय पर बारिश देने वाले परमेश्वर हमें इंतजाम करें प्रभु जी, ताकि किसान मेहनत करें, अच्छी फसल हो प्रभु जी। मजदूरों को जो प्रवासी मजदूर अब तक फंसे हुए प्रभु जी और वापस अपने घरों पर तक नहीं आ पाए, यीशु के नाम से उन पर दया करें पिता, उन स्थान पर जिस स्थान पर पिता उनके भोजन का प्रबंध होने पर, उनके वापसी का प्रबंध होने पर आपकी दया सब सब बातों को महिमा का रखो देती है, ये सारी प्रार्थना का पिछड़ रहा है धन्यवाद देते पिता, गिनती उद्धार करते यीशु मसीह के बेटे नाम से मानते हैं।